Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I am Brothers. So if you don't know me, I am Raju Grover, a second year BCom student currently preparing for CAT exam. And as you know, मैं CAT 2023 के लिए prepare कर रहा हूँ. And आज है day 60 और आज मेरे 2 month complete हो जाएंगे इस CAT preparation journey में. And काफी सारी चीजें share करनी है आपके साथ. And progress बतानी है अपनी मुझे. And next month की strategy भी बनानी है. But वो हम next video में discuss करेंगे. काफी सारे मॉक्स भी ऐड करने हैं, क्या क्या करना है नेक्स्ट मंथ में वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे. तो आज के लिए फर्स्टली तो मैं पहले आपको पिछले 1-2 दिनों की रिपोर्ट की मैंने क्या क्या कवर किया. एंड यू नो कि मैं VARC में थोड़ा सफर कर रहा था. मुझे जो एक्चुअली मैं PWC कोचिंग ले रहा हूँ तो वहाँ का वर्बल मुझे इतना सेट नहीं आ रहा है. एंड और मेरी वर्बल है भी वीक एक्चुअली. तो मैं सोच रहा था कि थोड़े RC सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ, थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि रीडिंग हैबिट बन जाए मेरी थोड़ी. एंड उसी के लिए आई हैव दिस टाइम की बुक्स वर्बल की. एंड इससे मैंने आरसीस करना स्टार्ट कर दिया है. फर्स्टली लेवल अभी इजी है, बट आगे आगे बढ़ाएंगे लेवल भी. तो अच्छा चल रहा है आरसीस भी. लेक्चर अभी मैं कम लगा रहा हूँ वर्बल के, बट भैया से भी मेरी बात हुई कि वो भी लगाना जरूरी है, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे. एंड स्ट्रेटजी के ऊपर भी भैया से मेरी बात हुई कि मुझे 2 month हो गए हैं प्रेपरेशन करते हुए एंड बचे भी सिर्फ 2 महीने ही हैं. तो अभी सिलेबस मेरा क्वांट्स का हुआ है, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं मेरे. तो भैया से पूछा कि भैया कहते कि ना अभी के लिए इतना सिलेबस इनफ है, अभी प्रैक्टिस शुरू कर दे एंड मॉक्स देना स्टार्ट कर दे. तो अभी के लिए क्वांट्स का सिलेबस मैं यही पे रोक रहा हूँ. जहाँ तक बात रही LRDI की, LRDI में क्या है, मेरा LR हो चुका है थोड़ा एंड DI चल रहा है. तो भैया ने कहा कि DI कंप्लीट कर ले, उसके बाद LRDI की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. अब सिलेबस खत्म होने वाला है, अब करेंगे हम अपनी रियल प्रैक्टिस स्टार्ट. जैसे कि मैंने बताया कि आज है डे 60, डे 58 और डे 59 पे मैंने वर्बल पढ़ी, आरसीस किए थोड़े सोल्व, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन किए. तो आज डे 60 पे हम एक चैलेंज करने वाले हैं, अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स. सो लेट मी शो यू बुक्स फर्स्टली. सो क्वांट्स के सेक्शंस के मेरे पास बुक्स हैं ये टाइम की. 100 क्वेश्चंस इसीलिए क्योंकि पहले जो लेवल है वो थोड़ा इजी है इन क्वेश्चंस का. अरिथमेटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं. टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे. अभी जो क्वेश्चंस है उसका लेवल इजी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैलेंज दे खुद को, 100 क्वेश्चंस करते हैं आज. या सो रेडी हूं मैं, पेन एंड कॉपी उठा लिया, फर्स्ट बुक भी उठा लिया. फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क अरिथमेटिक से. 100 क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली मैं एक शॉट में नहीं करने वाला हूँ कि बैठा और 100 कर दिए, इतनी सिटिंग में नहीं है मेरी. बट आज कर लूंगा मैं, आज ये चैलेंज कंप्लीट करूंगा मैं. अलग अलग बुक्स है मेरे पास, तो अभी इसी में फर्स्ट है ये, तभी इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं एंड ये लेवल इजी रहेगा. इसमें है 35 क्वेश्चंस. से क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 35 क्वेश्चंस. 2-3 क्वेश्चंस थे जो मुझे याद नहीं थे कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बट मैंने वही सॉल्यूशन देखा एंड याद आ गया मुझे. एंड एग्जैक्टली फॉर दैट मैंने मार्क भी कर लिया वो क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट टाइम जब देखूंगा तो मुझे रिकॉल हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस तो जरूरी देखने ही है मुझे. मोस्ट प्रोबेबली CAT 2023 के लिए तो मैं ये बुक दोबारा नहीं खोलूंगा क्योंकि इसमें इजी लेवल थे. बट CAT 2024 में जब मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो मैंने मार्क लगा लिया कि ये क्वेश्चंस थे तो देखना ही. तो I'm 60 questions in, 60 questions solve कर लिए मैंने. एंड कुछ गिनती के questions थे जो मुझे difficult लगे, बाकी सब easy थे. अभी easy ही चल रहे हैं. एक्चुअली कंपेयर करें DBP की जो PW के प्रैक्टिस questions थे उसमें काफी difficult questions आए थे, इसमें अभी easy चल रहे हैं.
बट फिर भी जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल है मेरे पास, पहले वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड देन PYQ पे भी जंप करेंगे हम। बट एनीवेज अभी जो करंटली चैलेंज कर रहे हैं वो कंप्लीट करते हैं, जो बाकी क्वेश्चन पेंडिंग है फटाफट कंप्लीट करते हैं अपना चैलेंज। नाउ टू द नेक्स्ट बुक, एंड ये रहा एक्सरसाइज 6 टाइम एंड वर्क, एंड इसमें है 50 क्वेश्चंस। तो इसमें सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए हैं, इसमें प्योर प्रैक्टिस मटेरियल है, आंसर की है बट सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं। तो अगर इसमें से कोई नहीं सोल्व हुआ तो वो मेरा डाउट रहेगा। फाइनली टास्क पूरा होता है एंड मेरा चैलेंज भी पूरा होता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। पूरे 100 नहीं गए, टोटल अप्रोक्सीमेट 90 प्लस हो गए होंगे। बट एक्चुअली मेरे पास ये थर्ड बुक भी थी क्वांट्स की, इसमें से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए टाइम एंड वर्क के। बट एक्चुअली इसमें क्या है कि जो एक्सरसाइज है ना उसमें क्या है कि सभी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन हैं, तो आई थिंक ऐसे करना सही नहीं रहेगा। तो एक बार ही मैं क्या करूँगी, सिंगल सिंगल टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो मेरी बाकी 2 बुक्स है उसमें से, एंड देन उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा ये बुक भी स्टार्ट करेंगे तब हम। एंड अभी बाकी चीज़ें भी काफ़ी पड़ी होंगी, मॉक टेस्ट भी देने का सोचा मैंने, PYQ भी करने हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे स्ट्रेटेजी बनाते हुए नेक्स्ट मंथ की, 3rd मंथ स्ट्रेटेजी, उसमें मैं मॉक्स भी ऐड करूँगा एंड प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे हम नेक्स्ट मंथ में। अपना मंथ कंप्लीट होता है 2nd मंथ एंड मार्क कर देते हैं day 60 को। प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।